बहुत सारे लोग आके जब साई जर्नी सर को ये बोलते हैं कि आप खास तौर पे बौद्ध धर्म की बुराई निकालो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज इसको भी हमको समझना पड़ेगा सर, कि भारत में बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो किस जाति के हैं। तो क्या वो बौद्ध धर्म के बहाने उस वो जो जाति है जो उसके मानने वाले हैं उसके बिल्कुल विरोध की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मतलब क्या बौद्ध धर्म के बहाने जो नवयान है उसका विरोध है? क्या बौद्ध धर्म के बहाने बाबा साहब का विरोध है, आरक्षण का विरोध है? ये बहुत सारी ना सर गूढ़ बातें हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। और जैसे रामायण में बुद्ध को इन्होंने गाली दिया है, ठीक ये वही चाहते हैं कि हम भी उनको गाली दें। वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं कि जो काम वो किए हैं वही काम हम भी करें। नास्तिक भी उसी तरह से इनके पाले में आ जाए एक तरह से। जैसे इनके धर्म ग्रंथों में बुद्ध को गाली है, शूद्रों को गाली है, तो अब शूद्र तो कह नहीं सकते कि शूद्रों को गाली दो। ह्यूमन विसाइंस, अगर और कोई डिबेट या कुछ हाँ, मैं प्रश्न लेता रखना चाहता हो तो मैं उनको अभी लेता ले हूँ लेता हूँ लीजिए। लेता हूँ लेता हूँ। अतुल जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम सर। जय। सर मैं साइंस जर्नी सर से पूछना चाहता हूँ जी। कि सर नास्तिक है या बौद्धिस्ट है, सबसे पहले ये बताइए सर। अरे यार, अभी मैं इसी 5 मिनट पहले बोला हूँ साईं जर्नी सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के नहीं निवेदन नहीं करूंगा। अतुल गुप्ता, इसी आपने पे कभी निवेदन। मेरे साइंस जर्नी पे या रेशनल वर्ल्ड पे कोई वीडियो देखी है जिसमें मैंने अपने आप को बुद्धिस्ट कहा हो? नहीं आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी वीडियो से तो ऐसा लग रहा है कि आप बौद्धिस्ट हैं सर, ऐसा कौन मुझे से वीडियो प्रतीत से हो लग रहा रहा है। है, आपने कौन 28 से बुद्धों वीडियोस को जो है पर, कौन सपोर्ट से? किया। हाँ, आपने हाँ उनकी हाँ बताइए हिस्ट्री तो, बताई बताइए थी तो एक उसमें बार। क्या सपोर्ट किया है। अच्छा, उसमें क्या सपोर्ट किया है 28 बुद्धों को? मतलब आपने उसमें ये बोला था कि मतलब जो है तो हिंदुओं से, मतलब जो वैदिक काल है उससे पहले जो 28 बुद्ध थे, यानी तक्षशिला, जो आपने इतिहास बताया था उसमें, वैदिक मुझे काल ठीक तरह से, से याद वैदिक काल नहीं से। अच्छा, आपको के ठीक से पहले याद भी से। नहीं है और क्लेम भी ठोक दिए कि मैंने ये ऐसा कहा एक है। मिनट एक मिनट, आपने ऐसा हाँ वीडियो में ये बोला है कि वैदिक काल से पहले 28 बौद्ध थे, जो मतलब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 563 ईस्वी में, अच्छा, उससे पहले वैदिक 28 वैदिक बौद्ध काल और कब से थे। कब का? अच्छा, वैदिक काल कब से कब था? ये तो आप जानो, आप तो बोल रहे हो 1500 साल पहले था, हम लोग तो बोल रहे हैं नहीं पांच तो हजार मैंने साल पहले वैदिक था, तो काल आप कब तो बोला है, मानो। मैंने कब वैदिक काल का नाम लिया है? देखिए, आपने कम से कम बहुत सारे वीडियो में बोला है यही बात कि वैदिक क्या काल जो बोला है तो है? ज्यादा समय नहीं था, 1500 साल पहले था। अच्छा, मैंने ये बोला है, जी सर, वीडियो में ये मुझे अभी बोला है याद तो नहीं कि बोल कौन रहा से है। नंबर कौन के सी वीडियो से वीडियो। देख के आए हैं भाई साहब आप? सर, ऐसा कोई वीडियो नहीं जो मैं आपका वीडियो ना देखता हूँ, एक साल से मैं पूरा नहीं वीडियो देखे हैं मैंने, रेगुलरली कहीं देख भी रहा हूँ बोला ही सर। नहीं है भाई साहब। मेरे अतुल जी, और आप मेरा तो सुनिए कोई तो वीडियो में कहीं नंबर सपोर्ट बता ही दें। नहीं है। अतुल गुप्ता, जी मैं जो जी पूछ रहा हूँ उसका जी जवाब जी दीजिए। 28 बुद्धों हाँ का जो मैंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 28 बुद्धा जो मैंने बनाया है, उस पे स्पेशल गेस्ट आए थे जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो वीडियो आपने जी देखा जी है पूरा? देखा है? हाँ मैंने देखा जी। हाँ, उसमें उन्होंने एविडेंस किस चीज का दिया था, स्क्रिप्चर्स का या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिया था? नहीं, वही तो सर मैं पूछ रहा हूँ कि एविडेंस दिए थे तो मैं आपने पूछ रहा हूँ सपोर्ट किया आपसे। था कि। अच्छा हाँ अतुल तो जी, अच्छा, आप ये अतुल कहते हैं जी, कि जी आर्कियोलॉजिकल जी एविडेंस को हम लोग ना सपोर्ट करें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को अगर हम सपोर्ट करते हैं देन हम बुद्धिस्ट हो गए। अतुल जी सर, गुप्ता, जी सर, अगर जी आपको पता है कि बुद्ध के अलावे भी 5-6 बुद्धों के नाम मिल चुके हैं, लिखित मिले हुए हैं, ये आपको बात पता है? जी सांची के स्तूप में सर, द्वार में हाँ, और सर, भरहुत स्तूप पे सर भी सर मिला है, और उनके एक खुदाई मिनट से भी सर, उनके एविडेंस मिले हैं, और चाइना में एक मिनट अभी सर, एक मिनट, ईसा से 203, रुक जाइए थोड़ा सा अतुल गुप्ता, इतनी बात आपने कही है तो हमें भी बोलने दीजिए। और ईसा से दो सौ जी तीन सौ साल पहले का चीन में भी अभी मिल गया है, 5 बुद्धों का 2 मूर्तियां मिली है, जिसमें एक 5 बुद्ध हैं और एक पर एक सिंगल बुद्ध है, ये एविडेंस मिल सर, रहे हैं। अतुल गुप्ता रुक जाइए थोड़ा सा, सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो जी 5 बुद्ध 7 बुद्ध के ये जो नाम मिल रहे हैं, तो ये जी जी आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिल रहे हैं इससे क्या साबित होता है कि एक से ज्यादा बुद्ध थे, ये साबित होता है कि नहीं होता है? होता है सर, जैसे लेकिन आपने एक पूरी डिटेल नहीं लिखा बताई, हुआ उनका है, नाम भी नहीं बताया आपने। अतुल गुप्ता, नाम नहीं बताया है मैंने, आपने वीडियो ही नहीं देखा है, उस 5 बुद्धों के नाम उसमें बताया है मैंने, और 7 के जो नाम बताया वो सर, कोई मूर्तियां मिली एविडेंस है वो भी। सर, अच्छा, एविडेंस सर नहीं प्लीज, है, वो यहाँ झूठ लिखित बोल नहीं रहे हैं मिला सर है आप। वहां पे? अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, नहीं एक नहीं मिनट नहीं रुक जाइए, सर, यही यही पे ओपन करके दिखाता हूँ, आपने आपने एक तो वीडियो नहीं आपने देखी जिनके होगी। नाम एक बताए हैं तो मिनट नहीं रुक मिला जाइए, जी। आपने कह दिया ना झूठ बोल रहा हूँ, अभी रुक जाइए, जी अभी मैं मैं यही हूँ दिखाता सर, हूँ। मैं यही हूँ। अच्छा, अब ये लास्ट आर्गुमेंट और रहेगा बुद्धिज्म के ऊपर। भाई ये डिबेट रामायण पे चल रही है तो नहीं, ये रामायण, झूठ बोलते हैं ना, इन लोगों का आदत ही है इन लोगों का नहीं झूठ झूठ नहीं बोल। बोलने का। अच्छा, ये हाँ यहीं झूठ, पे यही सर, बोल सर ये यहीं रहा पे इनसे कुछ एक सवाल
हम भी पूछ बिल्कुल, लेते। हाँ तब तक कीजिए, तब तक मैं निकल हाँ जाऊंगा। बिल्कुल सर, ये बताइए कि क्या आप राम जी, सेतु के अस्तित्व को ठीक मानते हैं? राम सेतु के अस्तित्व को मेरे मानने या ना मानने से सही तो नहीं हो जाएगा, मैं मान भी लूंगा तो उसके अच्छा लिए आप प्रूफ, ठीक है ना, उसके लिए हाँ, आप मैं प्रूफ आपको प्रूफ मांगोगे। भी अभी दिखाऊंगा। हाँ, जो सैटेलाइट पिक्चर है हाँ वो भी दिखाऊंगा कि वो तो मैन मेड नहीं है, वो जो नेचर है वो उसने नेचुरल, बनाया है। तो जो अमेरिका के नासा ने उसका भी किया था, तो वो कहाँ है आप तो वही लाओसा? मानोगे ना मेरे क्या काम किया को। था अमेरिका के अच्छा नासा का क्या किया सबूत था दिखाओ। मैंने, नासा अमेरिका के क्या पास और था कोई काम धंधा नहीं पड़ा हुआ है, वो आपका राम सेतु खोजेगा? तो ज्यादा नहीं, टुन्नी साई जर्नी निकला सर। जी 1 मिनट बस मैं जी चाहूंगा सर। ये हाँ बताइए आप कि राम के अस्तित्व को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? एक बात बताइए सर, पहले मेरी बात मैं नहीं सुनिए, बताऊंगा, मैं जो यदि पूछ रहा हूँ मैं आप बताओ। आप हर सवाल हमसे आके थोड़ी ना पूछोगे यार, हम भी तो सही पूछेंगे। बात है, हाँ मानता हूँ, मैं मानता हूँ राम के अस्तित्व को ठीक मानते हो? क्या आप राम को बहुत ही अच्छा आदमी मानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते बहुत हो? जी मानता हूं। अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकालने वाला आदमी अच्छा आदमी है? जी अच्छा आदमी है, मैं उसका आपको अच्छा, रिप्लाई भी तो फिर देता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे आप यार। हाँ ये होगा ना, क्योंकि देखिए, आप एक आपकी मिनट नजर में सर, और आप इज्जत एक नहीं मिनट होती। सर, मेरी हाँ पूरी बात सुनिए। आप क्यों मानता हूँ ये एक, तो पूछ लीजिए, क्यों मानता हूँ अरे ये तो पूछिए। इस बात से मेरे चलिए को सर, कोई क्यों मतलब मान, ही नहीं है। एक आप ये बात मानते मिनट ना हो सर, आप लोग अपने अपनी सुनते यार, हो, मेरी सुनते सुनते नहीं। नहीं है। नहीं क्यों नहीं मान रहा हूँ मैं ये भी? आप लोग औरत को तो कुछ समझते हो नहीं, हिंदू कोड बिल क्यों नहीं नहीं आया समझते? रहता और तो छह छह सात अच्छा, सात शादियां करके एक बैठे मिनट एक रहते, मिनट और एक मिनट गर्भवती एक मिनट स्त्री घर से एक बाहर मिनट एक निकल गई मिनट है, उसको बहुत अच्छा मान रहे हो यार आप। हाँ एक मिनट एक मिनट यदि औरत को नहीं समझते तो 5-3 हज़ार किलोमीटर दूर वहां एक स्त्री के लिए राम जी लड़ने नहीं जाते, उनके लिए एक राजकुमार थे, और चाहते तो कितनी अच्छा सारी नहीं, स्त्रियां अग्नि उनके आगे परीक्षा क्यों पीछे लिया घूमती। भाई, अग्नि परीक्षा अच्छा क्यों लिया वो भी चल, दिखा अग्नि दे। परीक्षा हाँ का बता यार, दो फिर, अग्नि हाँ परीक्षा का बता दो। अग्नि आप सुनिए, अग्नि परीक्षा परीक्षा का क्यों लिए वाल्मीकि रामायण खोल के राम? सुनिए दिखाऊंगा ना, कि सुनिए, राम जब सीता से एक मिनट मिलते हैं रुकिए। तो सीता कितना गंदा गंदा बात बोलती है राम को, कि तू अच्छा मेरे से अच्छा आग पार करने के लिए बोल रहा है, तू किस तरह का आदमी है। हाँ सर, सीता मैं को प्रूफ क्या मानते दिखाऊं हो मेरे आप, पास। सीता को क्या मानते हो आप, सीता को क्या मानते हो सीता आप, को, माँ मानते हो सीता सीता को, को एक, सीता को माँ मानते हाँ हो? मानता हूँ, तो भाई हाँ आप मानता ये सोचो हूँ, ना कि आपकी माँ को कोई आदमी घर से बाहर निकाल दिया, हाँ तो ये बात घर से अच्छी नहीं है। बाहर निकाले सर, देश से बाहर निकाले, देश से बाहर निकाले। आप सुनिए मेरी बात, अरे क्यों तो देश से बाहर निकालने के लिए पहले घर से तो निकालना पड़ेगा भाई मेरे। निकाले? अरे बाप रे, ये ये तो तो बहुत सर बड़ा क्लेम आप कर अपने दिया। अपने सुनते हैं, मेरी तो अरे सुनिए, मैं क्या चलो बोल, क्या चलो बोल रहा हूँ, चलो, क्या अब बोलना मैं चाहता सिर्फ हूँ। नहीं, अब साईं जर्नी सर, अब जो हम और कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ राम पे बात करेंगे, बुद्धा पे बात हो गई। ओके अतुल गुप्ता जी, क्या आप मानते हो कि कोई बंदर उड़ सकता है? अब आप बात मत पटलिए, पहले ये मैं बताइए सीता जी की नहीं बात पे में आऊंगा, चल रही गुरु है। पे, नहीं गुरु पे भी हम लोग आएंगे। बात को ऐसे नहीं, ही श्री वो करेंगे, राम के पट बंदर को, लेंगे हम बात बंदर को। नहीं, नहीं, हम वो तो बात बंदर को कर... नहीं, वो बंदर बंदर वाली बात उड़ता मैं है, बाद में बताऊं, क्या पहले बंदर सीता उड़ जी, सकता पहले है, बंदर उड़ बंदर सकता वाली है, बात नहीं, पहले बंदर आपने सूरज खा सीता जी को सकता बोला है, उनको, बंदर हाँ सूरज सब खा कर सकता सकता है, है, सीता की तो खा आपकी सकता नजर है। में कोई इज्जत ही नहीं है। अब आपने मेरी औरत है। उत्तर ही नहीं सुना, अब इसमें ये साहब थोड़ी देर पहले नासा का नाम ले रहे थे, नासा का, कुछ आपको भी नहीं मालूम नहीं आता है आप लोगों सूरज को, कितना अपने बड़ा अपने है? सुनते हो, हमको कुछ कुछ भी नहीं नहीं आता आता आप भाई, लोगों को, मगर अपने आपका अपने जो सुनते बंदर हो, है वो सूरज प्रश्न बदल खाता है, दिए, इसलिए हमको कुछ प्रश्न नहीं बदल आता। दिए आप, बस हो गया, कुछ नहीं आता आपको, नहीं आता, आपने अपने अच्छा, सुनते जैसे हो, ही आप आपके प्रश्न बदल पूंछ देते पे हो। पांव अब पड़ा तो हमने, हाव हाव चालू हो गया अच्छा आपका, जब आपने हमको हाव हाव कुछ सुनी नहीं होगी मेरी आता संस्था की, क्योंकि अच्छा आपका बंदर मतलब सूरज खाता। क्लियर तो, यार अभी आप क्लियर तो करने हमारे कोई दीजिए टीचर तो हो नहीं कि जो सवाल है वो आके पूछोगे हमसे, हम भी तो पूछ सकते हैं आपसे सवाल, बंदर आप, कैसे इसलिए सूरज खाता है पूछिए ये और बताओ। सवाल 28 पूछने का बुद्धा कारण छोड़ो, भी है अतुल 28 जी, बुद्धा पहले मैं छोड़ो, पहले, आप हाँ बंदर सवाल सूरज सीता कैसे जी की, खाया ये समझाओ। बंदर सूरज कैसे खा उसको भी बताऊंगा मैं, पहले सीता जी की क्लियर कीजिए, मैं अच्छा कर रहा हूँ क्लियर, अब अच्छा सुनिए। अरे हाँ यार, आप आप सुनिए, ढेर हाँ ज्यादा हाँ बोल रहे हैं यार, वुमन ये विद ज्यादा बड़ी साइंस बात, सर, आपने ये आज बोला। मैं नहीं इनसे, नहीं आज हमको सुनने का मौका दीजिएगा अमित वो टेक्निक की जी जिसमें बस बंदर बस सूरज जी खाता। देखिए साथियों, यहाँ से एक बात जो भी दर्शक हैं आप लोग, क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइंस जर्नी से अच्छा बुद्ध पर बात करने के लिए कौन लोग आते हैं। ये ये लो, वो टुन्नी हैं ये जो लो मान ये आ रहे हैं अतुल जी, बताने के लिए मेरी कि आपको म्यूट साइंस किया जर्नी है जो है क्योंकि क्यों बोल रही है, 28 को क्यों सपोर्ट किए ह्यूमन विद जी, साइंस। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दीजिए, बस मैं 1 मिनट लूंगा, मैं ओके दर्शकों ओके को भी लो, क्लियर कर देता ओके हूँ। ओके ओके लो, जी वो दिखा ही देता हूँ। एक्चुअली ये लोग झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ फैलाते हैं, मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ ना सबके एविडेंस देता हूँ।
अतुल जी बने रहना, हमें वो फार्मूला चाहिए भैया, ठीक है। हाँ वो उस पर भी बात करेंगे, पहले मैं इन्होंने जो क्लेम किया है फॉल्स क्लेम वो क्लियर कर दूँ, शेयर कर दीजिए। नहीं साउंड नहीं आ रहा है सर, आप ही स्क्रीन बता दीजिए, बता दीजिए आप। अच्छा स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना, स्क्रीन पे ये मैंने क्या दिखाया है, सबूत दिखाया है कि नहीं दिखाया है? जी जी जी, स्क्रीन स्क्रीन पे सारे बुद्धों के नाम मैंने दिखाया है। हाँ ये है ना, फाहियान जब भारत आए थे तो विपस्सी बुद्ध गुजरे हुए थे, ये सारी चीजें दिख रही हैं। नीचे यहाँ पे देखिए कि इन्होंने तीन बुद्ध का नाम लिया था, कुकुसंध, कूड़ागमन और कश्यप। उसके नीचे विपस्सी बुद्ध का पुरातत्व में हमें निम्नलिखित सबूत पहली बार भरहूत स्तूप पर मिलता है, जिस पर लिखा है भगवतो विपस्सिनो बुद्ध, ये लिखा हुआ मिला है। अच्छा मैं और आगे बढ़ा के दिखाता हूँ, इसके बाद से हाँ ये पुख्ता सबूत देता है कि स्तूपों की परंपरा थी। अच्छा सम्राट अशोक के नीलगिवा अभिलेख को पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि अभिषेक के 14वें वर्ष कलिगा में कोणागमन कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को वर्धित करवाया था, ये भी लिखा है। अच्छा इसके आगे मैंने ये सबूत दिखाया है, कनक मुनि बुद्ध हो गए, और हाँ कश्यप बुद्ध का यहाँ दिखाया है मैंने, जो स्मृति स्थल चीनी फाहियान यात्री ने श्रावस्ती पश्चिम में देखा था, ये फाहियान भी देख के गया था कश्यप बुद्ध का उस समय। अच्छा कुकुसंध बुद्ध इनका भी स्मृति स्थल मिला है और नाम भी सारे मिले हैं, तो ये सारे एविडेंस मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, फिर भी ये बंदा जो है ये कह रहा है कि मैंने उसके सपोर्ट किया है, क्यों सपोर्ट कर दिया है? भाई साहब ये सब जो स्तूप है ना ये मिले हैं, इनके नाम तक लिखे हुए मिले हैं, ये सब नाम क्लियर है, उस पर लिखे हुए मिले हैं कश्यप बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, ये सम्राट अशोक का नीलगिहवा अभिलेख भी मिल गया है जिसमें इनका नाम लिखा हुआ है, कोणागमन बुद्ध, और ये स्तूप को दुरुस्त कराया था, ये सारी चीजें दिख रही है यहाँ से। बंदर का कहीं मिला था क्या नाम ऐसे कहीं? अच्छा अतुल जी अब हमें फार्मूला दीजिए भैया, ये बताइए मुझे कि जब मैंने ये दिखा रखा है आपने झूठ क्यों बोला कि मैंने नहीं दिखाया है? मैंने झूठ कब बोला सर? अभी बोला यार, नहीं बोला कि मैंने क्यों सपोर्ट मैंने किया, ये बोला था। आपने कहा आप कि मेरे पूरा दिखाने से पता चलता है कि आप बुद्धिस्ट हो, एक मिनट रुक जाओ, आपने कहा कि आपके इस वीडियो दिखाने से पता चलता है कि आप बुद्धिस्ट हो, इसमें तो मैंने कहीं कहा नहीं, ये बोला है, मैंने ये बोला, लेकिन आपके जितने भी वीडियो है, हाँ जितने भी वीडियो हैं आपके, 60% आपके पूरे जो है बौद्ध से पूरा सपोर्ट करते हैं, जितने भी वीडियो हैं आप देख लीजिए खुद। अच्छा मैं किस चीज पे वीडियो बनाता हूँ? 101 नंबर के वीडियो देखिए, 102 नंबर के देखिए, जितने लिस्ट है आप। अरे मैं पूछ रहा हूँ मैं किस चीज पे वीडियो बनाता हूँ, किस चीज पे वीडियो था? अच्छा ये तो बात हो गई सर पूरी। अतुल गुप्ता मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, ये स्क्रिप्चर का वीडियो था या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का था, किस चीज का था या हिस्ट्री का एविडेंस का था? ठीक है एविडेंस का था आर्कियोलॉजिकल, लेकिन क्या आपको सिर्फ एक ही? नहीं नहीं लेकिन आपको सिर्फ बहुत आपको सिर्फ बहुत कोई नहीं मिलता, तो आपको बुद्धि मिलेगी ना। इन्होंने कह दिया ना अभी कि आप क्यों बुद्ध पे बनाते हो भाई, मेरे 80% वीडियो जो है ना ब्राह्मणवाद पे होते हैं, फर्जी बात मत किया करो। दूसरी बात की 10-15% इस्लाम पे होते हैं, जो हिस्ट्री में मिल गया वो दिखाता हूँ। हाँ ये भी वही चीज था, एविडेंस था, फर्जी क्लेम ना करो। चलो अब जवाब दो, अब जो जो ये पूछा था कि बंदर कैसे खा गया सूरज को, उसका जवाब दो, फार्मूला दे दो भैया, हमें नोबेल चाहिए। हाँ, वो फार्मूला। अच्छा सूरज उससे पहले आप ये बताइए सर, आपको ये एक मिनट जी, बिल्कुल वो पिछला खत्म, एक मिनट सर ये बताओ, गौतम बुद्ध आपको पता है? अरे गौतम बुद्ध को वहाँ कहाँ पहुंच रहे हो, बंदर पे आओ ना अपने, फार्मूला बताइए सूरज कितना बड़ा है ये आपको मालूम है? हमें बुद्ध के बारे में बात करना होगा, मालूम से बात करेंगे कितना बड़ा है, हाँ मालूम है, मालूम होगा किसी बुद्धिस्ट से करेंगे ना। सूरज कितना बड़ा है? 15 करोड़ मीटर दूर है। कितना दूर नहीं, कितना बड़ा है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, बोलिए कितना? 14 लाख किलोमीटर उसका डायामीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वृत्त की वो 14 लाख किलोमीटर है, ठीक है जी जी जी। आपका बंदर का मुंह कम से कम 15 लाख किलोमीटर होना चाहिए निगलने के लिए, लेकिन सर आप भूल रहे हैं कि वो बंदर नहीं थे, वो छोटा और बड़ा दोनों रूप बना लेते थे। अरे कैसे दोनों रूप? अच्छा मतलब उस बंदर का मुंह 15 इंच भी खुलता था और 15 लाख किलोमीटर भी खुलता था, आप ये बोल रहे हो क्या? पहले आपने क्या ये बात सोची कि वो बंदर का मुंह 15 इंच भी खुलता होगा और 15 लाख किलोमीटर भी खुलता होगा, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ मुझे लगता है। वेरी गुड। अच्छा एक और मेरे को बात बताओ, क्या आपने कभी भालू को बात करते देखा है अपने जीवन में? अच्छा तो आपके मिनट आपने तो अरे आपने सर कभी प्लीज, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं तो अपना ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ गुप्ता जी महाराज, एक मिनट
क्या आपने कभी बंदर को इंसान बनते देखा है? क्या आपने बंदर को कभी इंसान बनते देखा है? आप नहीं, सुनो सुनो तो सुनो, एक मिनट, क्या आपने कभी भालू को बात करते देखा है अपने जीवन में? वो अपनी भाषा में बात करते होंगे। आपकी भाषा में बात करते कभी देखा है भालू को आपने? नहीं देखा, नहीं देखा। जामवन तो बात करता था यार, संस्कृत में बात करते होंगे। जामवन कैसे बात करता था? ये तो कोई लॉजिक नहीं, वो पहले की बात थी, पहले की बात थी। आज तो याद दिलाया ना हनुमान जी को कि यार तू उड़ता भी है। तुम अभी अच्छा एक प्रश्न सवाल कर रहे हो। एक प्रश्न पूछता हूँ सर, क्या आपने डायनासोर को देखा है? कंकाल मिला है, लेकिन क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है? जिसका कंकाल मिलेगा वो कभी तो जीवित रहा होगा। मैं डायनासोर के ऊपर स्ट्रीम भी करने वाला हूँ, उसमें भी आइएगा आप, समझिएगा कि क्या होता है डायनासोर, क्या था। सर आप, सर आप स्ट्रीम करने वाले हैं? मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। किलोमीटर? अच्छा पूरा पढ़ चुके हो? क्लास पढ़े हो? कितना क्लास पढ़े हो? क्लास नहीं पढ़ा हूँ भाई, आपसे ज्यादा ही पढ़ा हूँ, एमटेक किया मैंने। कितना क्लास? आप एमटेक किए हो? कौन से किए हो? बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो, अभी बोल रहे हो कि बहुत आगे पढ़ लिए हो। कौन से स्ट्रीम में एमटेक किए हो? क्या था ब्रांच आपका? कौन से गुफा से एमटेक किए हो? ये मुझे जी, क्लेम जी, कर रहा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को सपोर्ट कर रहे हो, और ये बंदा जो है सूरज को खिलवा रहा है, एक तुच्छ बंदर से खिलवा रहा है, इसको रेडियस नहीं पता है, और बता रहा है कि हम एमटेक किया तुमसे बहुत ज्यादा पढ़े, इसको पता भी नहीं है कि ये कौन सी गुफा से एमटेक करके आया है। और उस एमटेक को मुझे धिक्कार है जो कहता है कि जो बंदर जो है सूरज को खा गया, ये कौन सा एमटेक करके आया है? ये यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है कि एमटेक करके आया है? ऐसे लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज करना बनता है। ये लोग आके मुझे कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट है, जबकि ये खुद ही टुन्नी है, ये रामायण में राम बंदर से खिलवा रहा है। ये वो लोग हैं जो मुझे सुपर टुन्नी है सर, सुपर टुन्नी, सुपर टुन्नी है ये। चलिए चलिए एक मिनट अतुल जी से, हम समय खत्म हुआ, आगे जोड़ लीजिए, और भी बहुत लोग हैं। हाँ बिल्कुल अतुल जी, अभी के लिए आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, अभी आप कह रहे थे एवोल्यूशन के बारे में कि बंदर को इंसान बनते देखा है कि नहीं देखा है, कि पहले के टाइम में जामवान किसी बोलते थे, ठीक है। आप यार, आपने तो विकासवाद को तो 1.5 साल पहले ही बना दिया यार, बंदर को तो इंसान आपने। अच्छा विकासवाद आपने पढ़ा, तो पहले मुझे ये भी बता दीजिए कि पहला इंसान कैसे बना, कैसे आया पृथ्वी में। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई मेरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जी जी आप ये इन कर रहे हैं कि जामवान संस्कृत बोलता था, तो आप एवोल्यूशन आपको कभी दिखाई देगा भी नहीं। बंदर इंसान, बंदर क्या होता है ना, बंदर से इंसान बना, ये तो बड़ी बहुत अलग बात है। अगर पहली बात तो ये सवाल ही गलत है, मैं इसकी उसमें जाऊंगा तो पूरी डिबेट ही उस पर हो जाएगी, ठीक है। एक तो आपकी ये जानकारी गलत है कि बंदर से इंसान बना है। नंबर दो, कुछ लोगों का विकास है ना कपी से नहीं हुआ है, कुछ लोगों का विकास ना गधों से हुआ है, उनको एवोल्यूशन कभी समझ नहीं।